इनका नाम बलकार है और ये संगरूर से आए हैं और इनकी गवाही है कि 12 साल से इनके पेट में गैस, कब्ज और बवासीर की ने प्रॉब्लम थी, जिसके कारण इन्होंने बहुत मेडिसिन खाई पर मेडिसिन से भी कोई भी इन्हें कोई फर्क पड़ा नहीं। और ये बता रहे हैं कि पिछले एक साल से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और जब भी ये गवाही देने के लिए मन बनाते थे, ये जो प्रॉब्लम इनकी पेट में गैस, कब्ज और बाबा से, जब भी ये मन बनाते थे ठीक हो जाते थे, पर जब गवाही के लिए मन बनाते थे वो प्रॉब्लम फिर आ जाती थी। तो इन्होंने फिर ऐसे बड़ा मन बनाया, बोलो क्या है, बड़ा मन, अपने मन को तैयार किया कि नहीं, परमेश्वर सच्चा और मेरे जीवन में काम करेगा। फिर इन्होंने 21 फरवरी संडे की मीटिंग में इस चीज के लिए ले हैंड करवाई। तो सबसे पहले हम इन्होंने फॉर्म पर फिल करवाकर अपनी प्रॉब्लम को लिखवाकर इन्होंने फिर ले हैंड करवाई। तो सबसे पहले हम उसका वीडियो क्लिप देखते हैं, दिखाओ। तो जैसे इन्होंने उस दिन विश्वास से ले हैंड करवाई, तो आज ये पूरी तरह ये 12 साल से जो पेट में गैस और कब्ज और बवासीर थी ये फ्री है। तारीफ करो पहले जोर से और सुनो सुनो। देखो जिस जो बंदा 12 साल से जिस प्रॉब्लम में चल रहा होगा उसके मन में क्या क्या ख्याल आते होंगे, क्या आते होंगे। और ये वैसे तो आप प्रभु में कितने टाइम से हो बताओ, माइक तो नहीं, 6-7 साल हो गए, 6 साल से, और ये 1 साल से इस मिनिस्ट्री से जुड़े हाँ, वैसे तो 6-7 साल से। और ये बताते हैं कि इन्होंने इस चीज के लिए बहुत सी अंग्रेजी देसी मेडिसिन भी खाई पर कोई फर्क नहीं आया। फिर जो घर में वो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, वो जड़ी बूटियां बना बना कर जो किसी ने कहा ये खाओ, ये पियो, ऐसे करो, ये सब कुछ करते रहे। क्यों जी बताओ, थोड़ा बताओ, आप भी बताओ अपने मुंह से। हाँ जी बाबा जी, माइक पास करो। संसार ये जो महंगी आइटम लेके गली गली उन्हें पीसना तैयार करना ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦੂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਜਿੰਨੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜੋ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਥਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿਆ, ਉਹ ਕਹਤੇ ਹਮਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਥਾ ਅਬ ਦੇ ਦਿਆ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸੀ ਵਾਲੋ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੋ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਓ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੇ? 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਓ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਆ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਆ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਬ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਤੇ ਥੇ, जब भी आप आते थे आप क्या बता रहे थे अपनी गवाही में कि जब भी आप आते तो यहाँ पे सही हो जाते थे? जो भी मैं गेट एंटर करता थी बिल्कुल ठीक थे, जो मैं वापस जाता थी बस चढ़ता थी वही प्रॉब्लम फिर हो जाती। ओ देखो कैसे कैसे हाँ शैतान हमारे जीवन में कैसे कैसे कार्य करता है, समझ रहे हो? पर ये एक फेथ के ऊपर है,
जब तक हमारा फेथ बना नहीं, हमारा विश्वास बना नहीं, तब तक भी परमेश्वर फ्री नहीं करता। हाँ, आ तो रहे थे, हाँ, कितना लाज कराया, कितना कुछ कराया, कुछ नहीं हुआ। पर जिस दिन इन्होंने बड़ा मन बनाया, बोलो क्या, बड़ा मन बनाया, और विश्वास के साथ उस दिन इन्होंने मन की तैयारी के साथ अपना मन परमेश्वर को दिया, और आज ये 27 फरवरी, हाँ, कुन की ले हैंड हुई, और आज क्या है, 31 मार्च, हाँ, और आज ये पूरी तरह, हाँ, एक महीने से प्लस हो चुका है ये टोटली इस बीमारी से, इस रोग से। अब आपको कोई तकलीफ तो नहीं एक महीने से? ना जी, कोई नहीं। हाँ, आप पूरी तरह फ्री हो ना? हाँ जी, पूरी तरह। खुश हो अभी? हाँ जी, पूरा ही खुश हो। हाँ जी, तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। मेरे बदल गए हालात, यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके, यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके, यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके, यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। अगर आप भी किसी दुख, परेशानी या हालात में हो, या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।